दे हर। दोस्तों, हम आज आपको लेकर के चलते हैं अमरकंटक के एक पवित्र तीर्थ पंचधारा में। तो वहाँ जाने के लिए हम कपिलधारा आए हैं और कपिलधारा से कच्चा रास्ता जंगल के बीच में से होकर के वहाँ जाता है, तो इसी रास्ते से हम आपको वहाँ लेकर के चलने वाले हैं आज। तो आइए देख चलते हैं पंचधारा। तो ये है पंचधारा। यहाँ नर्मदा जी 5 धाराओं में बट जाती हैं और फिर आगे जाके मिलकर के एक धारा हो जाती है, इसलिए इस स्थान का नाम पंचधारा पड़ा। लेकिन अभी 5 धाराएं नहीं दिखती हैं, बारिश के समय में कई बार दिखती हैं, अभी 2 धाराएं तो दिखाई देती हैं। ये एक तीर्थ स्थल जैसा है, साधना स्थल ही है। साधु संत महात्मा लोग यहाँ आकर साधना करते हैं और यहाँ रहते हैं। एक महाराज जो बाहर से आए हुए रामदास जी महाराज, वो यहाँ रहते हैं और उनकी साधना स्थल है। नर्मदा के बीचों बीच उन्होंने अपने साधना के लिए स्थान बनाया, वहाँ बैठ के वो नर्मदा जी की आराधना करते हैं और साधना करते हैं। ये लोगों के लिए पिकनिक के लिए भी एक बड़ा अच्छा स्थान है। यहाँ लोग आते हैं परिवार सहित, भोजन पानी यहीं बनाते हैं और पिकनिक का पूरा आनंद लेते हैं। चारों तरफ पेड़ हैं, बड़े ऊँचे पेड़ सरई के, और बड़ा घना जंगल है चारों ओर से, और ये एकदम दोनों तरफ बड़े ऊँचे पहाड़ भी है और उनके बीच में एक स्थान है। तो ये बड़ा रमणीक स्थान है, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर स्थान। तो यहाँ आप जब आ पाएंगे तो नर्मदा जी की कलकल और पक्षियों की चहचहाट आपको बड़ा आनंद देगी, सुकून देगी। तो धार्मिक आध्यात्मिक अनुभूति यहाँ होगी, साथ में प्रकृति के बीच में उसके आश्रय में रहने का जो सुख है वो भी आप यहाँ आकर ले सकते हैं। आप अमरकंटक आएंगे तो अमरकंटक से 2 रास्ते पंचधारा तक आने के हैं। एक रास्ता सड़क मार्ग से है, तो वहाँ से आप 4-पहिया वाहन के साथ आ सकते हैं। अन्यथा जंगल के बीच में से जिस रास्ते से हम आए, वो एक जंगल के बीच में से दुर्गम रास्ता है। पहाड़ उतरना पड़ता है, चढ़ना पड़ता है, और घनघोर जंगल के बीच में से बहुत पतली सी पगडंडी, उससे हम हो करके आए हैं। नर्मदा परिक्रमावासी भी उसी रास्ते से आते हैं। रास्ते में आपको कपिलधारा और दूधधारा 2 स्थान भी मिलेंगे, और आप उसी रास्ते से वापस भी जा सकते हैं। तो एक बड़ा अच्छा स्थान है, अमरकंटक का महत्वपूर्ण स्थान है। बहुत सारे लोग जिनको प्रकृति पसंद है, प्रकृति का साथ पसंद है, वो यहाँ आते हैं और यहाँ आकर के प्रकृति के बीच में रहने का सुख लेते हैं। नर्मदे हर।